please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बांग्लादेश के ढाका में फुटबॉल के सैफ सुजुकी कप के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ। भारत ने शानदार खेल की बदौलत इस मैच को 3-1 से जीतकर फाइनल में जगह बना ली। लेकिन भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले को लेकर दर्शकों में जबरदस्त दिलचस्पी दिखी। 25वें मिनट में पाकिस्तान के डिफेंडर को छकाकर भारत के फारूक चौधरी ने मनवीर सिंह को पास देकर गोल करने का मौका बनाया। मनवीर ने गोल पोस्ट पर सीधा शॉट मारा जिसे पाकिस्तान के गोलकीपर यूसुफ एजाज ने आसानी से बचा लिया। पहले हाफ के 45वें मिनट पर पाकिस्तान को भी गोल करने का एक मौका मिला लेकिन हसन बशीर का हेडर गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया। गोल बचने पर भारत के दर्शकों ने राहत की सांस ली और उसके थोड़ी देर बाद पहला हाफ बिना किसी गोल के खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद जैसे ही दूसरा हाफ शुरू हुआ भारत के खिलाड़ियों ने मैच में अपना दबदबा बना लिया और 48वें मिनट पर बाएं छोर से मिले पास को गोल में बदलकर मनवीर सिंह ने भारत को बढ़त दिला दी। मैच के 69वें मिनट में मनवीर सिंह ने सीधा शॉट लगाकर एक और शानदार गोल किया जिससे भारतीय दर्शक झूम उठे। थोड़ी देर में इस बढ़त को सुमित पासी ने शानदार हेडर करके 3-0 पर पहुंचा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी फॉरवर्ड हसन अली को भारत के लालियंज्वाला चांगते ने ब्लॉक कर दिया तो हसन ने उसकी जर्सी पकड़कर उन्हें गिरा दिया। इससे पाकिस्तान के मोहसिन अली गुस्से में आ गए और भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ गए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उलझते देखकर रेफरी ने दोनों ही खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मामला खत्म कर दिया। इसके दो ही मिनट बाद हसन ने पाकिस्तान के लिए गोल कर स्कोर 1-3 कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में तीन तलाक और हलाला का विरोध कर रही महिला पर उसके ही देवर ने तेजाब से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच पुलिस ने आरोपी देवर मुजाहिद और गाँव के पूर्व प्रधान हामिद को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की रहने वाली पीड़िता की शादी बुलंदशहर में हुई है। पीड़िता का पति से तीन तलाक को लेकर विवाद चल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उस पर देवर से हलाला करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम के आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जो संस्कृति और संस्कार है कांग्रेस का वो गरीबों के खिलाफ है, गांव के लोगों के खिलाफ है, कमजोर तबकों के खिलाफ है, इसलिए वो संस्कार बोल रहा। हालांकि सीपीआई नेता अतुल अंजान संजय निरुपम के बयान के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने से नहीं चुके। प्रधानमंत्री जी खुद ही अपनी गरिमा खो चुके होते हैं, विपक्ष को सार्वजनिक सभाओं में क्या नहीं कहते, तो फिर उन्हें तैयार रहना चाहिए कि हर तरह के अपशब्दों को उन्हें सुनना ही पड़ेगा। वहीं संजय निरुपम पीएम को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम रहे और उन्हें वापस लेने से उस बयान को वापस लेने से इनकार कर दिया। संजय निरुपम ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को अपना अधिकार बताया और एक बार फिर उन्होंने पीएम की डिग्री पर सवाल उठाते हुए अपने बयान का बचाव किया। प्रधानमंत्री भगवान नहीं होता, उसके ऊपर एक मर्यादा में रह करके लोग अपनी बात रखते हैं और जिस शब्द का प्रयोग मैंने किया वो कोई अमर्यादित शब्द नहीं है। हालांकि कांग्रेस को संजय निरुपम का ये बयान नागवार गुजरा और उन्हें ऐसी आपत्तिजनक भाषा से बचने की नसीहत दी गई। मर्यादा के अंतर्गत रह के अपनी बात करनी चाहिए, वो अमर्यादित बात है तो इसलिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बताया गया कि महाराष्ट्र के सभी जिला परिषद के स्कूलों में पीएम की जिंदगी पर बनी फिल्म दिखाने का फैसला किया गया है। यूपी के इलाहाबाद में चार दिन पहले एक पेट्रोल पंप में हुई मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में एक शख्स पहले खुद को पुलिस का सिपाही बताते हुए कैबिन में घुसते हुए दिखाई देता है, फिर कर्मचारी को पीटने लगता है। देखते ही देखते आरोपी पेट्रोल पंप कर्मचारी की लात घूसों से पिटाई शुरू कर देता है। बताया जा रहा है कि आरोपी जीआरपी में तैनात है, उसके भतीजे से पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बड़ी खबर दिल्ली से, 6 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। मुंबई में अपने घर के बाहर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने नाचते हुए गणपति का स्वागत किया। वहां गणेश उत्सव की धूम शुरू होते ही लोग पूरे विधि विधान से त्योहार मनाने में जुट गए और जब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के यहाँ गणपति आए तो वो ढोल की धुन पर जमकर नाचने लगे। हाथ में एक झंडा लिए विनोद तावड़े ढोल बजा रहे लोगों के बीच अकेले काफी देर तक नाचते रहे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकारी आवास वर्षा पर गणपति की पूजा की। इसके बाद पत्नी अमृता और बेटी दिव्या के साथ सीएम ने गणपति की आरती भी की। देश और दुनिया में और विशेषकर इस प्रदेश पर जो विघ्न है
उन सारे विघ्नों को वो हरे, उनका नाश करे। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी गणपति की पूजा अर्चना की और पूरे परिवार के साथ मिलकर गणपति आरती में हिस्सा लिया। तो दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के साथ नारियल तोड़कर गणपति की पूजा की और देश में सुख शांति की कामना करते हुए सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की रौनक सबसे ज्यादा मुंबई में दिखी, जहां अभिनेता नाना पाटेकर गणपति को अपने घर लेकर आए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। वहीं अभिनेता सोनू सूद ने भी गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति को घर में बैठाया और सबको वातावरण को साफ रखने की नसीहत दी। सब लोग जाके इको फ्रेंडली पॉन्ड्स में उसको विसर्जन करें ताकि ये वातावरण बेहतर हो पाए। अभिनेता विवेक ओबरॉय के घर भी गणपति को लाया गया और पूरे परिवार के साथ सुरेश ओबरॉय ने गणपति की पूजा की। मुंबई में सलमान खान की बहन अर्पिता भी अपने घर गणपति लेकर आई और मूर्ति को अपनी गोद में लेकर घर तक ले गयी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि यूपीए सरकार में 126 राफेल विमानों का सौदा इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास संसाधनों की कमी थी। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री के मुताबिक 2013 में सौदे को गठित कमेटी कीमतों को लेकर अंतिम फैसला लेने जा रही थी। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से ये सौदा अटक कर रह गया। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि वायुसेना भारत में बने राफेल विमानों की गारंटी चाहती थी, लेकिन एचएएल गारंटी देने की स्थिति में नहीं था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने राहुल गांधी से मुलाकात। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। राजस्थान के जयपुर से पुलिस ने FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक मनवीत सिंह भुल्लर को एक महिला कर्मचारी के रेप और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी संसद में एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया गया जिससे लोगों के खाने के लिए कुत्तों और बिल्लियों को मारने पर रोक लग जाएगी। यूपी के गोरखपुर में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली कोलकाता की दितिप्रिया दास ने अपने एक सहयोगी की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान देकर मिसाल पेश की। एक ऑर्गन से अगर मुझे वो दे देने से बहुत कुछ तकलीफ नहीं होती है, मेरे लाइफ को कुछ मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता है, तो मैं क्यों नहीं दे दूं। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले अफ्रीकी देश तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली के उस बयान पर विवाद हो गया जिसमें उन्होंने फैमिली प्लानिंग के विकल्प अपनाने वाली महिलाओं को आलसी करार दिया। यूपी के इलाहाबाद में एक चौराहे पर लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को कुछ लोग एक मशीन की मदद से हटाने लगे। बताया गया कि अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर वहां सड़क को चौड़ा किया जाना था, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना के तहत उसे एक मशीन की मदद से हटाया जाने लगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रतिमा को लेकर जा रही मशीन के आगे आ गए और नारे लगाने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जो प्रतिमा हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। ये सभी लोग जमीन पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे विचारधारा पर हमला बताया। इस तरह से विकास के नाम पर इस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेसियों में नाराजगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह एक विचारधारा पर हमला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को वहां 1995 में स्थापित किया गया था, जिसे वहां से थोड़ी दूर पर बने एक पार्क में शिफ्ट किया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वहीं मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को नहीं हटाया गया और दावा किया गया कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिमा को हटा रही है। सामने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति, उसको तो आप सजा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति के साथ इस तरह अपमान। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर एक तरफा काम करने का आरोप लगाया। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंडिया के नाम पर जो ये दलाली चल रही है भारतीय जनता पार्टी वालों की, इस दलाली को बंद किया जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को भी हटाए जाने की मांग की।